अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक और हैरियत से होंगे। और जी दुआ करती हूँ कि आप लोगों तक कोई दुख परेशानी ना पहुँच सके और अल्लाह पाक आप लोगों की हर जायज़ और नई ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुमा आमीन। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सब लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से। तो जी व्यूअर्स, आज एक नए व्लॉग के साथ मैं वापस आ गई हूँ, ठीक है। तो इस व्लॉग में जी अभी जो आप लोग देख रहे हैं, मैंने नाश्ते का थोड़ा सा क्लिप ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं नाश्ता बना रही थी, तो मैंने ना इसको थोड़ा फास्ट मोड पे कर दिया यहाँ पर जी, ठीक है। तो व्यूवर्स, ये जो है ना, अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी हमेशा की तरह कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि अगर वो भी इस तरह के व्लॉग्स पसंद करते हैं तो वो भी मेरे व्लॉग्स को इन्जॉय कर सकें। और मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा, ठीक है। मतलब कैसा लगा नहीं, कैसे लगते हैं मेरी वीडियोस, व्लॉग्स कैसी लगती है मेरे आप लोगों को, ठीक है। और जी दूसरी बात ये है कि अभी मैं आप लोग को सब्सक्राइब का बोलती हूँ तो ये बिल्कुल फ्री होता है, आप लोग के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, ठीक है। बस जो है जी, आप लोगों ने एक दफ़ा प्रेस करना है एंड जस्ट, ठीक है, प्रेस कर दें सब्सक्राइब के बटन पर, लाइक के बटन पर और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जो यहाँ पर मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो और आज ना लाइट गई भी थी, ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरा फील हो रहा था। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मैं पराठे बना रही थी और आज मैं खुद पराठे बना रही थी, तो इनकी थोड़ी शेप बिगड़ी हुई थी, ठीक है। एंड ये आप लोग देख सकते हैं साथ में चाय। चाय बनाने से पहले जी हमने थोड़ा सा कहवा, मतलब पानी में जो है चीनी और पत्ती उबाल लेते हैं और उसके बाद हम बना लेते हैं, मतलब उसको उबाल के फिर उसमें जैसे पहला कहवा बनाते हैं ना आप लोग, उस तरह बना लें, ठीक है। एंड देन जो है जी उसमें दूध डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये पराठा मैं बना रही थी, तो ये आप लोग देख सकते हैं, मुझे तो थोड़ा जो कुरकुरा सा पराठा होता है, मुझे तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में तकरीबन सबको ही वो पसंद है, ठीक है। और जी जब आप लोग वॉइस ओवर करते हो ना, तो पीछे जब कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है तो बहुत ही मतलब गुस्सा आता है, ठीक है। इतनी मुश्किल से आप वॉइस ओवर कर रहे हो। अभी आप लोग को थोड़ी सी पीछे फ़ोन की आवाज़ आई होगी, पीछे मेरे जो है जी फ़ोन बज रहा था, तो इसलिए मैंने वहीं पर स्टॉप लगा लिया, ठीक है। एंड अभी मैंने दोबारा से वॉइस ओवर स्टार्ट करी है। तो जी यहाँ पर ये पराठे बन रहे थे, तो मैं बता रही थी कि मुझे तो कुरकुरा सा पराठा पसंद है। हमारे घर में तकरीबन सभी को ही कुरकुरा सा पराठा, मतलब जितनी भी जो भी चपाती वगैरह भी कुरकुरी सी पसंद है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को कैसी जो है पसंद है रोटी वगैरह। तो यहाँ पर ये मेरा थोड़ा सा कैमरा सेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको मूव किया, ठीक है, इसलिए उसको सेट किया। एंड मैं यहाँ पर जी घी यूज़ करती हूँ पराठे बनाने के लिए, ठीक है। इससे जो है ना बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं कुरकुरे से, और अगर आप लोग ऑयल यूज़ करते हो तो वो नरम नरम से बनते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, साथ में चाय भी रेडी हो रही है, ठीक है, सुबह सुबह, और साथ में पराठे भी बन रहे हैं, तो मैंने ये भी क्लिप ऐड किया। और मैंने सोचा चले मैं आप लोग के साथ भी अपना ब्रेकफास्ट शेयर करती हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ द व्लॉग ऑफ, ठीक है, ये सैटरडे का व्लॉग है और ये सुबह का क्लिप, और साथ में मैंने सारे थोड़े थोड़े क्लिप्स ऐड करके मैं व्लॉग बनाती हूँ। कुछ ज़्यादा लंबा 20-22 मिनट का व्लॉग तो मेरा होता नहीं, छोटा सा व्लॉग होता है, तकरीबन जो है 10-12 मिनट का व्लॉग होगा मेरा, ठीक है। तो बस वही मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ का रोज़ आप लोगों तक लेकर आऊँ, लेकिन बीच में मैं कुछ कभी जो है स्टेटस वीडियोज़ अपलोड करती हूँ या कोई और, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है। बट जी कोशिश मैं यही करती हूँ कि रोज़ रूटीन से आप लोगों तक मैं जो है अपनी वीडियो लेकर आऊँ। तो यहाँ पर जी हमारे जो पराठे और चाय होगी रेडी, तो उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं जी रूम में आई थी, ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे मास्क पड़े हुए थे जो कि मैंने अकेली ने यूज़ किए हैं, ठीक है। इतने सारे, ये मतलब तकरीबन 1 मंथ में ये मैंने सारे ही यूज़ कर दिए, हालांकि काफ़ी मैंने जो है ना मतलब वेस्ट कर दिए, मैं वेस्ट किए हैं काफ़ी सारे। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी, बहुत ही थे और अभी भी, मतलब मैं इनको वेस्ट बाद में मैं गिरा भी देती हूँ, लेकिन मैं पहले ना काफ़ी जमा करके फिर मैं एक साथ पॉलीमर बैग में डाल के गिरा दें, ठीक है, जला दें या जो भी कर दें, वेस्ट करने होते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं इतने सारे थे, ठीक है, ये मेरे मतलब 1 मंथ के नहीं है, मतलब 1 मंथ से कम के ही हैं। तो जी उसके बाद यहाँ पर ना आप लोग जी ये देखें, मेरे पास ये मशीन है एक, ठीक है, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ ये मशीन। तो ये मशीन जो है जी, ये होती है ब्लड शुगर जो होती है ना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक करने के लिए ये होती है, ठीक है, जो शुगर कहते हैं डायबिटीज़,
उसके लिए है जी ये वो वाला मीटर है ठीक है, जिससे आप लोग चेक करते हैं। तो ये हमारे घर में पड़ी हुई थी ठीक है, इसको चेंज करवाना था शायद, तो इसलिए ठीक है। एंड यहाँ पर ये मैंने आप लोग को दिखा दी थोड़ी सी, अंदर ना उसकी वैक्सीन पड़ी हुई है और साथ में ये मीटर है एक ठीक है। और ये ऐसे पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चले अपने व्लॉग में मैं ऐड करती हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये ब्लड की शुगर के लिए है, मतलब ये आप लोग देख सकते हैं ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये मीटर है ठीक है, ये मैं चेक मैं आप लोग को दिखा दूँ। तो जी ओपन करते हैं हम लोग और ये रहा ठीक है, इसको हमने ओपन किया तो ये एक जिप वाले बैग में था ठीक है, जिसके ऊपर जिप थी तो इसको मैंने नहीं खोला बिकॉज चेंज वगैरह करवाने का हो सकता है, तो इसलिए ठीक है मैंने बाहर से आप लोग को दिखा दिया। आप लोग फुल देख सकते हैं इसके सारे लिखे हुए कि कोई आप लोग जो है ना इसमें कोड की ज़रूरत नहीं होती, आप लोगों ने जस्ट इसको स्टार्ट करना होता है, 5 सेकंड में आप लोगों को टेस्ट कर देता है, फ़ौरन से आपको रिजल्ट मिल जाता है जी ठीक है, चुटकियों में ठीक है, चुटकियों में आप लोग को इसका रिजल्ट मिल जाता है, मतलब 5 सेकंड में ही आपका टेस्ट कर देता है एंड फ़ौरन 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 से आप लोग को मिल जाता है इसका रिजल्ट, क्योंकि मीटर के ऊपर ही लिखा आ जाता है कि आपका मतलब इतना लेवल हो गया ब्लड में इतना। तो जी उसके बाद आ जाएं जी बाहर ठीक है, तो ये थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया था एंड यहाँ पर जी मैं बाहर जाने लगी थी, धूप काफ़ी निकली हुई थी तो ये आप लोग देख सकते हैं धूप काफ़ी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा चलें बाहर चलते हैं धूप को एंजॉय करने ठीक है। आजकल मुझे काफ़ी ठंड लगती है तो इसलिए धूप को एंजॉय करने मैं जा रही थी, तो बैक साइड जो है ना थोड़ी सी हुई भी थी तो उसको इग्नोर करें। और हवाएं भी आप लोग देखें चल कैसी रही थी, ये दरख्त काफ़ी ज़्यादा हिल रहे थे, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसके अलावा ये सूरज आप लोग देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ठीक है। एंड बस यही मैं यहाँ पर ये वेदर इन्जॉय कर रही थी ठीक है। और ये जो दरवाज़ा है ना बार बार पटक रहा था तो मैंने इसको बंद किया ठीक है। और उसके बाद चलें जी अंदर चलते हैं, थोड़ा सा क्लिप मैंने ऐड किया बिकॉज़ हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो इसलिए मैं बस इन्जॉय करती रही और थोड़ा सा मैंने आप लोग को भी अपने साथ इन्जॉय करवा दिया। तो बस जी इसके बाद आ गए हम लोग अंदर, अंदर आने के जी फ़ौरन बाद अभी मैं जा रही हूँ रूम में ठीक है। यहाँ पर मैं चार्जिंग पे लगाने वाली थी अपने फ़ोन को, तो ये मैं चार्जर ले रही थी ठीक है, आप लोग देख सकते हैं चार्जर एंड ये मैं फ़ोन को चार्जिंग पर लगाने लगी थी। तो मैं क्योंकि क्लिप्स बनाती हूँ तो मेरा फ़ोन बिल्कुल जो है डेड हो चुका था, तो मैंने कहा चलें इसको चार्जिंग पर लगाते हैं और उसके बाद मैं आती हूँ वापस। तो जी मेरा फ़ोन हो गया फुल चार्ज एंड उसके बाद मैं आ गई वापस, ये देखें रोशनी में ठीक है, मतलब ये धूप आ रही थी ठीक है हमारे मतलब हॉल में। तो बाकी जी आ जाते हैं किचन में, तो किचन में मैं खाने लगी थी दिन का खाना, दिन के खाने में था जी आज बना हुआ शोरबे वाला सालन ठीक है, गोश्त बना हुआ था शोरबे वाला, तो वो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, किस किस को गोश्त पसंद है खा लें जी, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के पास, खा लें आप लोग भी जिस चीज़ को पसंद है, वैसे मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है तो बाकी कोई बात नहीं। और उसके बाद यहाँ पर चपाती निकाल लेते हैं एक ठीक है, तो जी ये चपाती निकालने लगी हूँ मैं और ये निकल आई चपाती एंड चलें जी खाना खाते हैं अभी हम ठीक है, इंजॉय करेंगे हम अपने खाने को। वैसे ये सालन मेरा फेवरेट नहीं है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है लेकिन फिर भी खाना पड़ता है तो मैंने कहा चलें खाते हैं और साथ में अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करते हैं। तो चलें जी व्यूवर्स अभी बैठ के आराम सुकून से खाना खाएंगे, तो यहाँ पर ये खाना खाने लगी हूँ मैं जी। तो जी खाने का क्लिप भी मैंने लगा दिया था फास्ट मोशन पे ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, तो फर्स्ट नहीं वाला आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पर खा रही थी खाना ठीक है, तो कैमरा सेट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब उसको ट्राईपॉड में एक दफ़ा फिट करना एंड देन तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, लेकिन चलें कोई बात नहीं हो जाता है। और यहाँ पर मैं खाना खा रही थी दिन का, तो गाइज़ एक दफ़ा दोबारा से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड बटन को प्रेस करें और उसको कर दें क्लियर बटन में, सॉरी ग्रे बटन में, एंड वीडियो को मेरी को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि जी ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, इसमें आप लोगों के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, आप लोग बोलते हैं ना 1 रुपया भी नहीं लगता, जस्ट आप लोगों ने फिंगर से टच करना है ठीक है। एंड साथ में जो है जी सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस किया करें एंड नोटिफिकेशंस को ऑन कर लिया करें, इससे आप लोगों को सबसे पहले मेरी वीडियो फ्री में देखने को मिलेगी,
काफ़ी सारे लोगों का मतलब ये होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। तो या तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन की होती, और अगर आप लोगों ने वो ऑन की होती है तो फिर आप लोग के नेटवर्क में प्रॉब्लम होता है जी। तो खाना खा लिया जी हमने, और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लेने आई थी, आ जाए जी, देखते हैं मैं आप लोगों के साथ, ठीक है, एक साथ हम लोग देखेंगे कि मैं यहाँ पर क्या करने आई थी। तो यहाँ पर जी ये ड्रॉर हमने खोला, तो इसमें जो है ना मतलब सारे फ़ोन वगैरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब जितने भी फ़ोन थे, कुछ बॉक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ उधर पड़े हुए हैं, तो वो सारे, ठीक है। यहाँ पर ये गैलेक्सी, सैमसंग, ओप्पो और सारे हैं, ठीक है, टेक्नो वगैरह जितने भी हैं। तो मैं यहाँ पर जी अपने हेडफोन्स लेने आई थी, और साथ में ये ग्लासेस भी पड़े हुए हैं, ठीक है, बाबा की। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी, ये फ़ोटो फ्रेम पड़ा हुआ है, इसमें मेरे भाई की पिक्चर लगी हुई है, और उसके बाद इसको हम कर देंगे ड्रॉअर का बंद। तो यहाँ पर मैं हेडफोन्स लेने आई थी, तो मैंने सोचा चलें आप लोग को भी मैं दिखाती हूँ कि हमारे ड्रॉअर की मतलब सेटिंग मैंने, क्योंकि इसके नीचे वाले जो शेल्फ थी उसमें मास्क वगैरह की सेटिंग करते हुए दिखाया था। तो जी ये जो हेडफोन्स आप लोग देख रहे हो ना, ये मैंने एक हैक जो किया था, ठीक है, अपने ट्राइंग वायरल 5 मिनट क्राफ्ट हैक्स में, ठीक है। तो मैं उस बिल्कुल वो मैंने ट्राई किया था हेडफोन्स के लिए, जिससे कि आप लोग उनको इस तरह अरेंज करके रख सकते हो कि मतलब आप लोगों के जो है ना उलझते नहीं हैं, इजीली आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने वही हैक को जो है जी फॉलो करती हूँ मैं आजकल, लेकिन मैं इसको यहाँ पर रबर बैंड से सिक्योर कर लेती हूँ, ताकि जो है मतलब इजीली सिक्योर्ड ही रहे आप लोगों का। तो यहाँ पर ये बस हमारे हेडफोन्स, ठीक है। मैं क्योंकि अभी वीडियो देखने वाली थी, तो जी बस यहाँ पर मैंने अपना व्लॉग एंड कर दिया यहाँ पर ही, ठीक है। तो मिलती हूँ जी मैं आप लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ आप लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा।